दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ. जिला प्रशासन के द्वारा शानदार व्यवस्था अजमेर में जो की गई है, चाहे वो जिला प्रशासन जिलाधीश के अजमेर के कलेक्टर साहब हों, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हों, चाहे हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हों, चाहे यहाँ के सुपरिटेंडेंट हो, चाहे हमारे यहाँ के CMH हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे फादर फूड एंड सप्लाई के जितने जो अधिकारी हों, और चाहे जो टीचर्स हों, उन तमाम लोगों ने मिलकर जिस मोमेंट के साथ में जो काम किया है उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. और उसका नतीजा है कि पहली बार हमारे अजमेर के अंदर 201 लोग ठीक होकर अपने घर गए. इसके लिए तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, यहाँ के प्रशासन के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद. और साथ ही प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि बहुत समय के साथ के अंदर जैसे आपने धीरे धीरे लोगों को छूट दिए, जो इलाके अभी भी कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर जो शामिल हैं उनके अंदर भी घंटे एक दो घंटे चार घंटे का ऐसे समय निर्धारित करके आम दर्रे के ऊपर जो लाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं. और इस समय के ऊपर जो राजस्थान की सरकार ने जो फूड एंड सप्लाई के माध्यम से खानों की व्यवस्था की है, लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मेंटेन किया है और जिला प्रशासन ने किया है, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई. और उम्मीद करता हूँ कि ये लॉकडाउन जो अभी हमारे पास में है ये अंतिम लॉकडाउन हो और अजमेर बने ग्रीन में, अजमेर निश्चित रूप से 31 तारीख तक है कि बोले खाली ग्रीन में आवे, अजमेर पूरा खुल जाए. और उसके लिए मैं अंत के अंदर जनता से एक ही अपील करूँगा, अपने घर पर रहें, आवश्यकता के अनुसार ही मार्केट में आएँ, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और जो प्रशासन और सरकार की नीतियां और जो निर्देश है उनका पालन करें.